हेलो दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद अब ब्रिटेन में बदला जाएगा बहुत कुछ। 70 सालों तक राजसी गद्दी पर रही महारानी ब्रिटिश लोगों की रोजाना जिंदगी में शामिल रही थी। महारानी की मौत के बाद इंग्लैंड की करेंसी समेत दुनिया के 10 से ज़्यादा देशों की करेंसी में बदलाव होगा। इतना ही नहीं, वहाँ की करेंसी के साथ साथ पासपोर्ट, मिलिट्री यूनिफॉर्म से लेकर मेमोरबिलिया यानी स्मृति चिन्ह महारानी के प्रतीकों से भरे पड़े हैं। इन सब में अब महारानी मृत्यु के बाद बदलाव होगा। हेलो दोस्तों, हिंदी टीवी फॉरएवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की 96 साल की उम्र में गुरुवार रात को मौत हो गई। उनकी मौत का शोक पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज तक ब्रिटेन में इतने लंबे समय तक किसी इंसान ने क्राउन नहीं पहना था। उनके सिर पर 1953 में ब्रिटिश क्राउन सजाया गया था। उनकी मौत से दुनिया के देशों की करेंसी में जबरदस्त बदलाव आने वाला है। आपको बता दें, इस करेंसी के बदलाव के साथ साथ और भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी में महारानी की तस्वीर लगी हुई थी, जिनमें अब ब्रिटेन में बदलाव किया जाएगा। इसे बदलकर जो भी क्राउन पहनेगा, नई करेंसी में उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। एक अनुमान के अनुसार इंग्लैंड के करेंसी की कुल संख्या 3.6 बिलियन है, जिन्हें बदलने में करीब 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का खर्च आ जाएगा। ब्रिटेन की महारानी की मौत के बाद सिर्फ इंग्लैंड की करेंसी में ही नहीं, कई और भी देश हैं जिनकी करेंसी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका, मॉरिशियस, कैमेन आइलैंड्स, सेंट हेलेना, इसले ऑफ मैन, जर्सी, जिब्राल्टर जैसे देशों के नाम हैं जिनकी करेंसी में महारानी की तस्वीर लगी हुई थी, जिन्हें अब बदल दिया जाएगा। यूके में कैश नोट और सिक्कों पर क्वीन का चेहरा होता था। अब उनके निधन के बाद नए राजा के चेहरे के साथ नए कैश नोट और सिक्के लाए जाएंगे। इसकी तैयारी पहले से ही हो रही है। नए नोट और सिक्कों को बाजार में उतारा जाएगा। जो पहले से नोट हैं, बाजार में उन्हें धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ब्रिटिश राष्ट्रगान महारानी के सम्मान में गाया जाता था। इसके लिरिक्स में ही महारानी का जिक्र था। अब इसे बदलकर राजा के नाम पर किया जाएगा। इसके लिरिक्स को फीमेल वर्जन से बदलकर मेल वर्जन किया जाएगा। ब्रिटिश राष्ट्रगान का मेल वर्जन इसके पहले आखिरी बार 1952 में गाया गया था। उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ के पिता राजा जॉर्ज पंचम थे। उनके निधन के बाद एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। ब्रिटिश पासपोर्ट महारानी के नाम पर जारी किया जाता था। पासपोर्ट पर लिखा होता था कि ब्रितानी महारानी के नाम पर विदेश सचिव ये अनुग्रह करते हैं कि इस पासपोर्ट धारी को बिना किसी बाधा के आने जाने दिया जाए और जरूरत पड़ने पर उसको मदद और सुरक्षा दी जाए। इसे बदलकर अब राजा का वर्जन लिखा जाएगा। यूके में कई संस्थाओं के यूनिफॉर्म में महारानी का साइफर या एक तरह का कोड लिखा होता है। ये साइफर किंग एडवर्ड के क्राउन के साथ दिखाया जाता है। मिलिट्री और पुलिस अफसरों के यूनिफॉर्म में ये साइफर होता है। इसे बदलकर नए राजा का साइफर लगाया जाएगा। यूके के रॉयल मेल में स्टैम्प पर क्वीन का साइफर और उनकी इमेज यूज की जाती है। EIIR और किंग एडवर्ड के क्राउन वाले इस साइफर को भी बदला जाएगा। अब नया साइफर किंग्स डॉलर्स पर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और आगे हम अपनी वीडियो में क्या सुधार ला सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।